पहली बार खुद से दवाई ले रही है, सब कुछ ठीक तो है ना? दी आपको क्या हो गया आजकल? मैं कुछ भी करती हूँ आप हर बात में टोकती हो। स्वामी बुआ से दोस्ती करो तो गलत है, उनसे दोस्ती नहीं करती तो गलत है, दवाई लो तो गलत है, लो तो भी गलत है। एक नन्ही सी जान, क्या करे भगवान। बुआ जी, प्लान ए फेल हुआ है ना, तो प्लान बी रेडी है ना? वैसे भी आज रात को मैं विराट और माया को आमने सामने लाने वाली हूँ। बस किसी तरह विराट 2 मिनट के लिए माया की बातें सुन ले। लेकिन मानवी, सबसे मुश्किल काम तो यही है ना। वाजी, फिकर नॉट, आपने मानवी को ये काम सौंपा है, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। वाजी, विराट आ गया, मैं उसे पटाके आती हूँ। वीरू अंकल, वीरू अंकल, वीरू अंकल, वीरू अंकल, बोलिए आंटी जी। पता, मेरा ना आज बाहर की ठंडी ठंडी हवा खाने का बहुत मन कर रहा है, चलो ना प्लीज। अच्छा, तो एक काम करो, बाहर जाओ और मुंह खोल के जितनी ठंडी ठंडी हवा खानी है ना, खाओ, फ्री में, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ओके, कैसे बेटा? चाचू, कैसी है तू जीविका? बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग अचानक चंडीगढ़ में, आप लोगों ने बताया भी नहीं कि आप लोग आ रहे, एक फोन कॉल तो कर लेते, कुछ तो तैयारी करती मैं। वो बात ऐसी है बेटा कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। मदन को किसी ने कहा था कि चंडीगढ़ में कोई अच्छे डॉक्टर्स हैं जो मेरा इलाज कर सकते हैं। बस उसने जिद की तो हम आ गए, इसीलिए इसी जल्दबाजी में हम किसी को बता नहीं पाए। और मैं सोच रही हूँ कि कल डॉक्टर को दिखाने के बाद हम मानवी को भी यहां से ले जाएंगे। ये सब तुम्हारा आइडिया था ना मां से मिलवाने का? विराट, इसमें मानवी की कोई गलती? तुम चुप रहो प्लीज, इतना गुस्सा मत हो विराट। मैं मानती हूँ माया ने जरूर एक बार गलती की है, लेकिन लेकिन उसको क्या जिंदगी भर सजा देते रहोगे क्या? विराट, लाइफ में हर किसी को सेकंड चांस मिलता है, प्लीज माया को भी एक एक आखिरी मौका दे दो। प्लीज विराट, बस एक आखिरी मौका। किस चीज का मौका? मेरा दिल फिर से तोड़ने का? मान गया मैं तुमको, कमाल की चीज हो। मैंने मना कर दिया तो तुम मेरी फैमिली के थ्रू आ रही हो। समझ में नहीं आता मैं तुम्हें क्या कहूं। जो भी हो, I don't care, I just hate you. So, get lost. And you. मुझे लगता है जीविका को बता देना चाहिए, कब तक छुपाएगी इससे? आप सही कह रहे हो बीजी। इतनी बड़ी बात हमें जीविका को बतानी पड़ेगी। लेकिन लेकिन जब जीविका को पता चलेगा तो हे भगवान, क्या बिगाड़ा है मेरे बेटियों ने तेरा, क्या? बीजी, अपने आप को संभालो प्लीज। अगर आप ऐसे टूट पड़ोगी तो फिर जीविका का क्या होगा? जी चाचू, खाना लगने ही वाला है, आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए।